मेरा सवाल ये है कि उससे क्या क्या मुराद है, मतलब माँ बाप को उब तक ना कहें। जी जी शेख, उफ से क्या मुराद है पूछने? वाला देखिए, हाँ, तकुल्ला माउफ। किसी को किसी के साथ बदसुलूकी या बदतमीजी या गुस्ताखी करने का सबसे हल्का दर्जा, सबसे अदना दर्जा है कि उसकी किसी बात पे आप कहो उफ। हम अपनी जबान में भी तो कहते हैं उफ, जी तो ये बहुत हल्का दर्जा है गुस्ताखी करने का, तकलीफ देने का। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस हल्की सी गुस्ताखी से भी मना किया। इसका मतलब ये है कि अगर इससे बड़ी गुस्ताखी आप कर रहे हो तो ये और ज्यादा खतरनाक बात है। तो उन वालिदैन के साथ हल्की सी और अदना सा भी गुस्ताखी और बदतमीजी बदसुलूकी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि सर ऐसा ऐसा करते जी, बिल्कुल यही मुराद है उफ से। हैं। जैसा कोला सर, और एक बहुत सवाल, बढ़िया। मतलब कल छूट गया था, कल सर, कल जो सवाल किए थे, मतलब कि माँ बाप वालिदैन पैसा मांगते हैं, मतलब रुपया मांगते हैं, तो उसके नारा देना कैसा है, मतलब देने देने के बारे में, तो आपने कहा नशा तो बताए थे, लेकिन मतलब ना देने पर नाराज हो जाते हैं, ये है सवाल, कल का मसला था वो। देखिए देखिए, अगर वालिदैन किसी जायज बात पर नाराज होते हैं तो जरूरी है कि आप उनकी नाराजगी दूर करें। किसी जायज बात पे अगर नाराज होते हैं तो गोया कि आप गलत कर रहे हैं। और अगर वो किसी नाजायज बात पर, किसी गलत मुतालबे पर नाराज हो रहे हैं तो उन्हें नाराज होने का हक नहीं है। आपसे मान लीजिए किसी ऐसी चीज का मुतालबा कर रहे हैं जो उनका हक नहीं है तो उस पे नाराज होने का हक उन्हें नहीं है। एक 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 लाइन और मैं ऐड करना चाहूंगा, जी क्योंकि सर, असल में ये सवाल ऐसा है कि इसका जो है कई सारे लोग बहुत जवाब अपनी जगह पर वही है जो मैंने जिक्र किया, उसमें किसी जी इश्काल की गुंजाइश नहीं है, जवाब वही है। लेकिन इसका गलत फायदा कुछ जाहिल किस्म के लोग उठाते हैं। तो इस जवाब को लेकर के वो माँ बाप के साथ जो है मोल भाव और तौल करते हैं। माँ जी बाप के साथ आप हिसाब किताब और मोल और तौल मत कीजिए, है ना। एक चीज होती है वाजिब, वो तो आपको करना ही करना है, वो तो उनके साथ आपको करना ही है, वो नहीं करोगे तब तो गुनहगार हो। लेकिन एक चीज होती है मुस्तहब और एक चीज जी होती है अखलाक और हुस्ने सलूक। तो वालिदैन के साथ ये सारी चीजें आप करें। आप जब बच्चे थे तो वालिदैन ने आपके साथ मोल तौल नहीं किया, हिसाब किताब नहीं किया है, इसलिए ऐसा ना हो कि दुनिया का जितना हिसाब किताब आपको आता है सब वालिदैन के ऊपर ला करके आप अप्लाई कर दें। तो वालिदैन के साथ मोल भाव मत कीजिए, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा उनके साथ हुस्ने सलूक कीजिए, कोशिश कीजिए कि वो नाराज ना हो। अब अगर कोई ऐसा ऐसी चीज का मुतालबा कर रहे हैं जो आप पूरी ही नहीं कर सकते तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि उन्हें खुश रखें। अगर वालिदैन खुश हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश है। इसलिए मोल तो और भाव करना है तो कहीं और कीजिए, वालिदैन के साथ मत कीजिए। ठीक है शेख, जजाकल्लाह खैर।